मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। प्रकृति ने इस प्रदेश को खूबसूरत पहाड़ों, नदियों, जंगल, झरने और वन्य जीवों से नवाजा है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के कुछ जलप्रपातों की। ये जलप्रपात नदियों की घाटी पर पहाड़ों में नेचुरल तरीके से बने हैं, जो आपको मंत्रमुग्ध कर देते हैं और आप इनको घंटों निहार सकते हैं। बी फॉल यानी जमुना जलप्रपात पचमढ़ी। बी फॉल ऐसा ही एक झरना है। पचमढ़ी के घने जंगलों के बीच में स्थित इस झरने को यमुना जलप्रपात या बी फॉल के नाम से जाना जाता है। कुछ लोग कहते हैं बी फॉल नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि कहा जाता है कि यह पूरा क्षेत्र जंगल से घिरा हुआ है। इस एरिया में बहुत सारी मधुमक्खियों के छत्ते पाए जाते हैं। वहीं कुछ कहते हैं कि पहाड़ों से नीचे आते हुए ये मधुमक्खी के आकार जैसा दिखता है। बी फॉल तक पहुंचने के लिए आपको नीचे की तरह उतरना पड़ता है। जलप्रपात तक पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई गई है। यह करीब 150 सीढ़ियां उतरने पर आपके सामने मनोरम झरना दिखाई देता है। आप इस झरने में नहाने का मजा ले सकते हैं। रने जलप्रपात छतरपुर। रने फॉल छतरपुर के खजुराहो से 25 किलोमीटर दूर केन नदी में करीब 200 फुट गहरा रने वाटरफॉल है, जिसके कारण टूरिस्ट यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए खींचे चले आते। रंग बिरंगी चट्टानों के बीच जलधारा वाला अनूठा वाटरफॉल, जिसे भारत का मिनी नियाग्रा भी कहते हैं। केन नदी यहाँ ग्रेनाइट और डोलोमाइट चट्टानों की एक संकरी घाटी के माध्यम से बहती है। करीब 5 किलोमीटर के दायरे में यहाँ पर कई झरनों की एक श्रृंखला है। यहाँ पर एक साथ बहुत सारे छोटे बड़े झरने आपको देखने को मिलते हैं, जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। यहाँ पर आपको रंग बिरंगी 5 रंगों की चट्टानें देखने मिलती हैं। रने फॉल की बहुरंगी क्रिस्टल, ग्रेनाइट, लाइम-स्टोन, बेसाल्ट और डोलोमाइट की परतदार चट्टानों का अप्रतिम सौंदर्य पर्यटक को अवाक कर देता। रने वाटरफॉल में सुरक्षा की दृष्टि से फेंसिंग से कवर किया गया है और यहाँ पर कई व्यू पॉइंट बनाए गए हैं ताकि आप इस झरने की खूबसूरती को निहार सकें। शांत हरे जंगल के बीच छिपा हुआ रने जलप्रपात मानसून के दौरान बेहद खूबसूरत लगता है। इतिहास के अनुसार रने वाटरफॉल यहाँ के एक प्रसिद्ध राजा रने प्रताप सिंह के नाम पर है, जिसकी वजह से यह एक ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है। कहा जाता है कि राजाओं के शासन काल में वे यहाँ आखेट के लिए आते। ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और यहाँ पे बहुत दूर से लोग आते हैं और यहाँ आने में बड़ी आत्मा को शांति मिलती है जी। अब बहुत सुंदर लगता है, बहुत अच्छा लगता है। हमारा तो ये कहना है कि यहाँ तो एक बार सब लोगों को आना चाहिए। क्योंटी जलप्रपात रीवा। मध्य प्रदेश का विंध्य क्षेत्र जलप्रपातों की धरती है। यहाँ आपको कई जलप्रपात देखने को मिलते हैं। इसमें से 5 सबसे बड़े हैं क्योंटी, पुरबा, चचाई, बहुती और घिनौची जलप्रपात, बहुत ही खूबसूरत है। क्योंटी जलप्रपात सतना जिला से 85 किलोमीटर और रीवा शहर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। यह जलप्रपात चित्रकूट की पहाड़ियों पर है। ये बैकुंठपुर के पास क्योंटी महाना नदी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 300 फीट से अधिक। मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। यहाँ की मनमोहक प्राकृतिक वादियां अद्भुत हैं। मकर संक्रांति पर क्योंटी में भव्य मेला लगता है। क्योंटी में 13वीं शताब्दी का प्राचीन किला भी है, जिसके बारे में हम आपको दूसरे वीडियो में विस्तार से बताएंगे। आप झरने के नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन नीचे जाने के लिए आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा। इस झरने का दृश्य नीचे से बेहद शानदार दिखाई देता है। मानसून में इसकी खूबसूरती देखने लायक होती है। जुलाई से दिसंबर के बीच का समय सबसे अच्छा हो सकता है। फॉल को देखने के लिए कोई प्रवेश शुल्क नहीं है और न ही आसपास कोई पार्किंग उपलब्ध है। आप अपनी कार को चट्टान पर कहीं भी पार्क कर सकते हैं और खूबसूरत झरने को निहार सकते हैं। क्योंटी जलप्रपात का इलाका दुर्लभ औषधियां और जैव विविधता संरक्षित क्षेत्र भी है। यहाँ विश्व की दुर्लभ जीवनदायिनी औषधियों में से एक सोमबल्ली, मोरशिखा और पथरचटा काफी मात्रा में पाई जाती है। झरने के आसपास कई देवी देवताओं के मंदिर हैं, जिनमें से प्रमुख शिव मंदिर है। पुरबा जलप्रपात रीवा। रीवा जिले में ही पुरबा जलप्रपात है। पुरबा जलप्रपात रीवा जिले से लगभग 21 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रीवा के पठार की चट्टानों से उतरते हुए टोंस यानी टमस नदी इस प्राकृतिक झरने का निर्माण करती है। यह जलप्रपात करीब 200 फीट ऊंचा है। जलप्रपात में तीव्र गति से सैकड़ों गैलन पानी हर सेकंड गिरता है। बारिश के मौसम में यहाँ सबसे खूबसूरत दृश्य होता है। यह सारा क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर होने के कारण साल भर पर्यटक और स्थानीय लोग यहाँ आते रहते हैं। और बढ़िया जगह है और बहुत बढ़िया हरियाली बहुत है और शांति होती है। फॉल टोंस नदी पर स्थित है, जो रीवा पठार की चट्टान से नीचे बहती है। पुरबा जलप्रपात का जाने का सबसे अच्छा समय जुलाई से फरवरी तक है, क्योंकि गर्मी के मौसम में जलप्रपात का जल स्तर गिर जाता है। आप यहाँ बारिश या ठंड के मौसम में घूम सकते हैं। आज के एपिसोड में इतना ही। मार्वल्स एंड मिस्ट्रीज के आने वाले एपिसोड्स में हम आपको मध्य प्रदेश के और खूबसूरत वाटरफॉल के बारे में जानकारी देंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। आपके आसपास भी कोई ऐतिहासिक धरोहर और प्राकृतिक स्थान हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जानकारी दें।